शहीदों की चिताओं पर लगेंगे हर वर्ष मेले, वतन पर मरने वालों का यही बाकी निशा होगा। 26 जुलाई 1999 का वह दिन भारत के इतिहास में स्वर्णिम अक्षरों में लिखा गया, जब हमारे रणबांकुरों ने पड़ोसी दुश्मन देश पाकिस्तान को छक्के छुड़ा दिए और कारगिल पर फतेह हासिल की। शहीद हुए जवानों में से ही एक जवान मुरादाबाद जनपद के गांव आवी हबीजपुर मिलक का रहने वाला था, जो 22 ग्रेनेडियर में 1997 में भर्ती हुआ था। अरविंद सिंह, जो पिता मुख्तियार सिंह व माता चंद्रवती देवी का 5 संतानों में सबसे बड़ा बेटा था, आंखों में भारत माँ की सेवा का संकल्प लिए पाकिस्तान के 21 जवानों को मौत की नींद सुलाने वाला अंत में खुद भी मां के आंचल में सो गया। आइए उनकी शहादत के अवसर पर उनके पिता का क्या है कहना। आज हम मौजूद हैं यूपी के जनपद मुरादाबाद में और यहाँ भी हम लोग छजलैड ब्लॉक के गांव आवी हबीजपुर मिलक में मौजूद हैं। यहाँ के रहने वाले अरविंद, जो 1999 में कारगिल जंग में शहीद हुए थे, बताते हैं कि 2 महीनों की छुट्टी के लिए वह गांव पहुँचे थे। उसी दौरान पाकिस्तान ने घुसपैठियों की मदद से भारत पर हमला कर दिया था। परिजनों ने बताया कि चूँकि वो 2 महीने की छुट्टी आए थे, लेकिन बीच में तभी बॉर्डर से जो है उनके लिए बुलावा आ गया और वह अपनी छुट्टियां बीच में ही छोड़कर कारगिल के लिए रवाना हो गए। बताया जाता है कि 24-25 जून के दौरान उनको गोली लगी और वह शहीद हो गए। 29 जून को उनका पार्थिव शरीर गांव मिलक में पहुंचा और यहां पर क्षेत्र के हजारों लोग एकत्र हुए। यहां पर उनके पार्थिव शरीर को गांव में लाया गया और उनकी अंत्येष्टि, सामने बराबर में पार्क है, यहां पर उनकी अंत्येष्टि की गई। बताते हैं कि शहीद जो अरविंद थे, वो पढ़ाई में काफ़ी बचपन से होनहार थे। कक्षा 1 से 8 तक की पढ़ाई उन्होंने अपने मौसा खजान सिंह व मौसी तारा जी के यहाँ रहकर गांव मोड़ा तैया में की थी, जो मुरादाबाद जनपद में आता है। वह बचपन से सरल स्वभाव के थे। बताया जाता है कि 1997 में मेरठ कैंट में उनकी भर्ती हुई थी, उनकी ट्रेनिंग जबलपुर में हुई थी। उसके बाद 6 महीने की पोस्टिंग रही और पोस्टिंग के बाद कारगिल के लिए उनकी जो है पोस्टिंग हो गई। बताया जाता है उसी दौरान वह 2 महीने की छुट्टियों के लिए गांव पहुंचे थे, लेकिन तभी पाकिस्तान ने जंग छेड़ दी। छुट्टियां बीच में छोड़कर वह बॉर्डर के लिए रवाना हो गए। परिजनों ने रोका, लेकिन वह नहीं रुके। उनका कहना था कि उनके लिए पहली प्राथमिकता उनका देश है, ये राष्ट्र है, ये भारत भूमि है और उस पर पहला अधिकार है। साथियों, बताया जाता है कि वह बहुत बहादुरी से लड़े और इस दौरान उनको लगभग 18 गोलियां भी लगी। कहते हैं कि 21 पाकिस्तानियों को उन्होंने ढेर किया। 26 जून को उनको गोली लगी और 29 जून को उनका पार्थिव शरीर गांव मिलक पहुंचा। उस दौरान जनपद में चूँकि बहुत से उच्च अधिकारी यहां पहुंचे थे, सेना के भी बहुत से अधिकारी यहां पहुंचे थे और उस दौरान ऐसी बहुत सी घोषणाएं की गई थी जिन पर प्रशासन कितना खरा उतरा है, उसी का रियल टेस्ट करने के लिए आज हम लोग शहीद अरविंद के गांव मिलक पहुंचे हैं। अब हम आपको दिखाएंगे किस प्रकार से जो शहीद स्थल है उसकी क्या वर्तमान में दशा है। इसके लिए हम आपको लिए चलते हैं शहीद अरविंद पार्क की ओर। सिंह की प्रतिमा सामने लगी है। कहा जाता है कि उसके परिजनों ने इस प्रतिमा का जो खर्च है वो सारा उनके द्वारा ही वहन किया गया। सरकार ने इसमें कोई भी किसी प्रकार की जो मदद है वो नहीं की है। अब मैं कैमरामैन से चाहूँगा कि जो दशा है सामने, पार्क की दशा जो है, वो भी उसके बारे में थोड़ा सा दिखाएं जरा सामने किस प्रकार से जो पार्क है। इस पार्क में देखिए आप लोग किस प्रकार से सफाई की व्यवस्था है, सामने कितना घास खड़ा है। देखिए ये सामने शहीद स्थल है जहाँ पर पार्थिव शरीर को रखा गया था। कैमरामैन से कहूँगा कि सामने, देखिए सामने जो शहीद स्थल है, आगे इस शहीद स्थल पर यहाँ पर जो पार्थिव शरीर है, अरविंद जी का पार्थिव शरीर यहाँ पहुँचा था 29 जून को। हजारों लोगों की संख्या यहाँ पर, भीड़ जुटी थी उस पार्थिव शरीर को जो है मतलब पुष्प अर्पित करने के लिए। ये सामने शहीद जो स्थल है,
किस प्रकार से आप लोग देख रहे हैं, सरकार यूँ तो बातें, बहुत से वादे सरकारें करती हैं, लेकिन देखिए ये अरविंद जो शहीद हुए थे कारगिल जंग में, शहीद हुए थे 1999 को, उसकी दशा आप लोग देख रहे हैं किस प्रकार से पार्क की दशा है। हम बताना चाहेंगे कि हम लगभग पिछले 20 वर्षों से लगातार यहाँ पर उनकी पुण्यतिथि के अवसर पर जो है यहाँ पर हम लोग प्रोग्राम करते हैं, उनकी पुण्यतिथि के यहाँ पर हम मनाते हैं। और चूँकि उनके परिजन भी हमारे साथ यहाँ मौजूद हैं, मैं कैमरामैन से कहूँगी उनको, उनसे भी चूँकि हम लोग बात कर लेते हैं। उनके पिताजी शहीद अरविंद जी के पिताजी मुख्तियार सिंह हमारे साथ हैं, हम उनसे अगली बहुत सारी जानकारी उनसे भी चाहेंगे कि वह भी बताएं कि किस प्रकार से यहाँ पर हुआ है। जी हमारे साथ मौजूद हैं उनके पिताजी शहीद अरविंद जी के पिताजी। जी क्या नाम है आपका? मुख्तियार सिंह। मुख्तियार सिंह जी हमारे साथ हैं। मैं आपसे चाहूँगा कि ये बताइए कि जो शहीद अरविंद जब शहीद हुए थे, उनका पार्थिव शरीर यहाँ पहुँचा था, जिला प्रशासन भी यहाँ पर आया होगा, तो प्रशासन ने मतलब किस प्रकार की घोषणाएं यहाँ पर की थी, थोड़ा उसके बारे में हमारे आप दर्शकों को बताएं। घोषणा तो बहुत की थी, पर ये असली जो घोषणा, एक तो गांव का नाम नहीं बदला गया, अरविंद नगर। अच्छा। और टीम साइड को कही थी जी देश जयपाल ने। अच्छा। और सवा 6 बीघे एकड़ जमीन अस्पताल के लिए 25 बेडों का चेतन चौहान ने बोल रहा था। अच्छा, 25 बेड का हॉस्पिटल की बात की थी। जमीन उसकी 15-16 साल ऐसी पड़ी रही। अच्छा। वो स्कूल वालों ने फिर ले ली। कौन से स्कूल वालों ने ले ली? कोटी खिदमतपुर। अच्छा। ये मेंबर जो इन्होंने साइन नहीं होने दिए। तो मतलब जो चेतन चौहान जी ने जो घोषणा की थी 25 बेड के अस्पताल की, हाँ। वो नहीं बन पाया हॉस्पिटल? ना बना ही नहीं, वो घोषणा ही कर गए। और उसके बाद क्या घोषणा जयपाल व्यस्त जी ने क्या घोषणा की थी? टीम साइड को ढालने को है, जैसा प्रोग्राम होगा तो बाहर ठंड रहे, मैं टीम साइड डाल दूंगा। अच्छा। 3 साल बराबर घोषणा कही, एक अभी तो हो जाएगा, इसके बाद उसके नाम से स्कूल बना, वो अभी हफीजपुर के नाम से चल जाए, उसका कोई नाम नहीं। अच्छा, स्कूल का जो नाम है वो भी शहीद अरविंद के नाम पर नहीं है? घोषणा की गई थी शहीद अरविंद के नाम से बड़े स्कूल बनाया जाएगा, उसके नाम से बना। अच्छा, लेकिन वो नाम जो है आज भी अभी हफीजपुर है, उस पर हफीजपुर मिलक है। अच्छा, उसका नाम नहीं अरविंद शहीद के नाम से नहीं है, शहीद अरविंद के नाम से नहीं है? ना ना। अच्छा अच्छा अच्छा। और गांव सड़कों की, गांव की सड़कों की स्थिति क्या है आपकी? गांव की सड़कें साहब हमारे मुंह आकर टूटी पड़ी दो जगह। अच्छा। बेकार हुई पड़ी है, ना प्रशासन सुन जाए ना शासन सुन जाए। अच्छा ये बताइए, चूँकि आप लगातार जो है उनकी पुण्यतिथि मनाते हैं, 29 जून को हर वर्ष हम लोग भी पहुँचते हैं यहाँ पर, हर वर्ष हम लोग आते हैं यहाँ पर, पुण्यतिथि आप लोग मनाते हैं, तो क्या प्रशासनिक लोग क्या उस दिन यहाँ पर आते हैं कि नहीं आते हैं? वहाँ कोई नहीं आता साहब, सूचना दे दे आते ही नहीं। अच्छा, आप सूचना देते हैं? हाँ देते हैं। अच्छा, ये सोच ले तो होगा कहीं सही। अब जिस वक्त तत्ता घाव था उस वक्त तो ये मांगा इतनी कही थी, बहुत ही हौसला करी थी। अच्छा, अब कहाँ तक बताओ। अच्छा अच्छा, तो अब तो साहब कोई आता ही नहीं, और आना चाहिए इन लोगों को भाई, जब साल भर में कुछ। क्या उनकी पेंशन आती है शहीद अरविंद जी की? पेंशन आती है उसकी मम्मी के नाम। कोई दिक्कत उसमें पेंशन में? कोई प्रॉब्लम? कोई बात नहीं, वैसे तो पेंशन लगातार आ रही है। हाँ। लेकिन अधिकारी नहीं पहुंचते हैं? ना ना ना, कोई नहीं आता। अच्छा, ये जो पार्क है कितना गंदा पार्क पड़ा, सफाई कर्मी नहीं आता क्या? वह परसों गया कुछ सभी बोले ध्यान ले, हाँ ध्यान है, चला जाओ। अभी 26 जुलाई को कारगिल विजय दिवस मनाया जाता है हर वर्ष। हाँ। क्योंकि हमारे देश ने जो है पाकिस्तान पर विजय हासिल की थी, कारगिल विजय दिवस के रूप में मनाया जाता है। तो क्या 26 जुलाई को यहाँ पर कोई अधिकारी, कोई जनप्रतिनिधि या कोई लोग पहुँचते हैं? नहीं, कोई नहीं है? कुछ नहीं आता, कोई नहीं आता, कोई नहीं आता है, कहीं से भी नहीं आता। हमारे साथ इसी गांव के रहने वाले और एक मौजूद हैं, किसान मौजूद हैं, उनसे भी हम बात करेंगे। जी क्या नाम भैया आपका? वीर सिंह। वीर सिंह, क्या आपने अरविंद को तो देखा होगा? वीर सिंह जी देखा है। कैसे थे अरविंद? बहुत बढ़िया स्वभाव के थे, बहुत तेज तरार मिजाज के थे, पढ़ने लिखने में बहुत होशियार थे जी, और बहुत ही हष्टपुष्ट व्यक्ति थे। अच्छा वीर सिंह, जैसे ये पार्क हम लोग सामने देख रहे हैं, ये पार्क की जो दशा बताइए, चूंकि शहीद एक गांव का तो होता नहीं है, शहीद तो पूरे देश का पूरे होता देश है, समाज का होता है, तो ये बड़ी दशा है, इस पर क्या कहेंगे आप? इसमें साहब झाड़ झंकार खड़े हैं, सांप सिलेंडर है, कोई आने को बैठने को भी इच्छा नहीं करती, इसमें इतनी गंदगी रहे, सफाई कर्मी भी कभी कभी मनचाह आ गया ना तो ना आता, गांव में गंदगी का ढेर लगे हुए हैं जहाँ तहाँ पानी सड़कों पर। अच्छा, जब पार्थिव शरीर अरविंद जी का यहाँ पहुँचा था, आप भी मौजूद होंगे उस समय जी, तो अधिकारी उस समय आए थे, अधिकारियों ने बहुत सी घोषणाएं की होंगी, आपको क्या एक दो ऐसी घोषणा याद है? उस टाइम तो बहुत घोषणाएं कर दी कि पेट्रोल पम्प बनेगा, यहाँ अस्पताल बनेगा, स्कूल बनेगा, सड़कें बनेंगी, अजी कुछ भी नाम तो ये देख रहे हैं कि ये ईंटें जो खड़ी हो गई हैं
वही है। और एक एकड़ जमीन दी थी कॉलेज की, वो भी स्कूल के स्टाफ ने जो है दोबारा साइन होना होने दिए, दोबारा कब्जा कर लिया है, तो बने भी तो बने कहाँ। अच्छा अच्छा, तो क्या आप हमारे इस चैनल के माध्यम से क्या कहना चाहेंगे? हम ये कहना चाहेंगे साहब, देश के लिए लड़का हमारे गांव का सैयद हुआ है, वो नौजवान लड़का था, तो ये नहीं कि उड्डा ठहरा हो, गांव की तरक्की होनी चाहिए, साफ सफाई का ध्यान रखा जाए और किसी प्रकार भी किसी भी व्यक्ति को दिक्कत ना हो, यही मेरी सरकार से प्रार्थना है। एक और इसी गांव के रहने वाले एक और नागरिक हमारे साथ मौजूद हैं जी, क्या नाम है आपका? नौभार सिंह। नौभार सिंह, इसी गांव के रहने वाले हो? जी हाँ। क्या शहीद अरविंद को जानते थे आप? जानते थे। अच्छा, कैसे थे वो शहीद अरविंद? अच्छे लड़के थे, प्रेम भाव था, गांव में आते थे, सबसे मिलकर जाते थे। अच्छा, जब लास्ट बार जब वो कारगिल युद्ध जब चल रहा था, जब वो छुट्टी से आए थे, तो क्या आपने आपसे मिलके उस समय गए थे? मिलके गए थे। हाँ। अच्छा, क्या कहा था उन्होंने? क्या कहा? उन्होंने कहा था भाई, 2 महीने की छुट्टी पर हम आए हैं, आप लोगों से मिलने आए हैं, प्रेम भाव रखेंगे, जब छुट्टी खत्म हो जाएंगे चले जाएंगे, बीच में उनके लिए ऑर्डर आएगा। अच्छा, ये पार्क बड़ा गंदा हो रखा है साहब, ये तो प्रशासन की कमी है। अच्छा, गांव में सड़कें कैसी हैं आपकी? सड़कें साफ, कहीं जल भर रहा, कहीं गंदगी हो रही है, कहीं सफाई नहीं होती है, यही स्थिति है गांव की। एक बार और मैं कहूंगा कैमरामैन से कि सामने देखिए पार्क की दशा दिखाए एक बार, देखिए आप लोग किस प्रकार से, ये अंबार लगा है, घास खड़ा है, भकूंबर घास खड़ा है, यूँ तो हालांकि अशोक के पेड़ भी दो चार खड़े हैं, लेकिन बताइए कहीं भी मतलब एक तरह से जो सफाई होनी चाहिए, 26 जुलाई को हर वर्ष जो है विजय दिवस मनाया जाता है, लेकिन पार्क की इतनी दयनीय दशा, प्रशासनिक अधिकारी यूँ तो भाते बहुत करते हैं, लगातार कागजों पे बात होती है, लगातार बात करते हैं कि लगातार जो अधिकारी हैं वो किस प्रकार से यहाँ पर जो है कहते हैं कि लगातार जो है अधिकारियों मतलब शहीदों का जो है ध्यान रखा जा रहा है, उनके परिजनों का ध्यान रखा जा रहा है, लेकिन आप लोग देख सकते हैं किस प्रकार से दशा है, इस पार्क की दशा है कैसी दशा है। साथियों, मैं तो यही कहूँगा कि कम से कम हमारे जो प्रशासनिक अधिकारी हैं शहीदों के बारे में सोचें, उनके परिजनों के बारे में सोचें, क्योंकि शहीद न एक गांव का होता है, न एक समाज का होता है, न एक जाति का होता है, शहीद पूरे देश का होता है। और भी बहुत सी मदद की घोषणा की गई, स्कूल की घोषणा की गई, लेकिन ना तो वो स्कूल बना है, ना ही जो 25 बेड के हॉस्पिटल की घोषणा चेतन चौहान जी ने की थी वह भी नहीं कि यहाँ पर किया गया है। और इनका कहना है कि जो प्रशासनिक अधिकारी हैं वो न मौका स्थल पर पहुँचते हैं, पुण्यतिथि के अवसर पर भी नहीं पहुँचते हैं, विजय दिवस के अवसर पर भी नहीं पहुँचते हैं। ये बड़ी विडम्बना की बात है कि शहीदों के बारे में सरकारें बातें तो बहुत बहुत बड़ी करती हैं, लेकिन धरातल पर जो सच्चाई है वह आपके सामने है। कैमरामैन केहर सिंह देवल के साथ डॉक्टर नरेंद्र, मुरादाबाद।